नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के लाइव स्कोर अपडेट्स में। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 400 रन बनाए। इसके साथ ही टीम इंडिया को 223 रनों की बढ़त मिल गई है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 170 रन पर ही सिमट गई थी। अक्षर पटेल ने 84 रन बनाए, रविंद्र जडेजा 70 और मोहम्मद शमी ने 37 रनों की पारी खेली। दोस्तों, कप्तान शर्मा ने बेहतरीन शतक जमाते हुए 120 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू कर रहे टॉम मर्फी ने 7 विकेट लिए, पेट कमिंस को 2 और नाथन लायन को 1 विकेट मिला। दोस्तों, आज मुकाबले का तीसरा दिन चल रहा है और दूसरा सेशन चल रहा है। कंगारू टीम ने दूसरी पारी में 1 विकेट भी खो दिया है और मात्र फिलहाल 19 रन बनाए हैं। मार्नस लाबुशेन और डेविड वार्नर क्रीज पर बने हुए हैं। उस्मान ख्वाजा 5 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें रविंद्र चंद अश्विन ने स्लिप पर कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों, तीसरे दिन का पहला सेशन भारतीय टेलेंडर्स के नाम रहा। अर्धशतक जमा चुके रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल भारतीय पारी को आगे बढ़ाने उतरे। जडेजा दूसरे दिन के स्कोर पर 4 रन ही जोड़ सके, वे टॉम मर्फी का 7वां शिकार बने। जडेजा के आउट होने के बाद शमी ने अच्छे शॉट्स जमाए, उन्होंने 47 गेंद पर 37 रन बनाए। अक्षर ने 84 रन की पारी खेली, सिराज 1 रन बनाकर नाबाद रहे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपने प्रेडिक्शन जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप इस मुकाबले को किस तरीके से लाइव देख सकते हैं, तो अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर आप टीवी पर देख सकते हैं। अगर आप आपके खुद के मोबाइल फोन पर देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस स्टार के माध्यम से आप खुद के मोबाइल फोन पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, समय समय पर मैच से जुड़ी तमाम जानकारियां, लाइव स्कोर अपडेट और हाइलाइट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हर न्यूज हर खबर से अपडेट रहें। धन्यवाद।